हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं, लाइक मैंने प्रोबेबिलिटी के साथ साथ मैं जेड ट्रांसफॉर्म पर भी वीडियोज बना रहा हूँ, लाइक अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन पे भी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट पे भी वीडियोज लेके आ रहा हूँ। सो मैं काफी सारा कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आ रहा हूँ और लेके आता रहूंगा। और मेरे जो पुराने वीडियोज हैं यहाँ आईटी पे जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पे मेरे सभी वीडियोज हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। और स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें, सो देट कि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? A continuous random variable x is said to be follow a continuous uniform or rectangular distribution over the interval AB if its PDF is given by this. कहने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर किसी की फंक्शन की वैल्यू k है, लाइक है ना, तो वो उसको हम क्या कहते हैं यहां पे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लाइक इस ये हियर ध्यान दीजिए, इधर क्या है देखो, हियर fx इज PDF, और पीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये पीडीएफ है तो क्या होगा? माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू किसके बराबर? के बराबर आएगा, ए टू बी के डी एक्स इज इक्वल टू 1। देन हम क्या करेंगे, यहां पे के को बाहर निकालेंगे, तो के और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स, ए टू बी इज इक्वल टू 1, सो के बी माइनस ए इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए, ये हमारे पास k की वैल्यू आएगी। और इस k की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये आता है 1 अपॉन बी माइनस ए टू बी देन 0 अदरवाइज, है ना, बाकी सब जगह इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर हम इसको यहाँ बताना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि a टू b पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे कितनी होती है इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिए इधर, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर, इसका जो एफ एक्स होता है वो किसके बराबर होगा? 1 अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा, है ना। बाकी सभी पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है यहाँ पे? एफ एक्स है। तो इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। स्टूडेंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस किस तरह से निकालते हैं, प्लस इसका जो एमजीएफ होता है वो भी कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे लिख के आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे इसका जो मीन और वेरिएंस है किस तरह से निकालते हैं। सो मीन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, यहाँ पे मीन का जो फार्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स होगा। और हम जानते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पी डी एफ होता है वो होता है 1 अपॉन बी माइनस ए टू बी एंड 0 अदरवाइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका जो मीन होगा वो कितना आएगा, ये ए टू बी जाएगा, है ना, और एक्स और 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, सो 1 अपॉन बी माइनस ए बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू ए टू बी, सो ये आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, है ना, अपर लिमिट माइनस लॉ लिमिट। दैन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए, इसको लिखेंगे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए अपॉन टू, ये सम से ये टर्म कैंसल, सो दिस इज ए प्लस बी बाई टू, ये इसका क्या होगा, मीन होगा, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम मीन, राइट। अब हम बात करेंगे इसके वेरिएंस की। सो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इसका जो वेरिएंस होता है उसका जो फार्मूला होता है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला कितना होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो हम इसका ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स होती है। तो ये आएगा ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री ए टू बी, दैन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस बी बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए, ये आएगा बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन थ्री। स्टूडेंट, ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो आपके पास जो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी स्क्वायर ए बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन थ्री। ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ रखेंगे तो ई एक्स स्क्वायर की आएगी बी स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन फोर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 12 आएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो फोर बी स्क्वायर फोर ए बी प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसको खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लाइक यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये बचेगा
ए स्क्वायर, नाउ 4ab से गया तो माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, तो इसको लिखते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12, इसका क्या होता है वेरियंस ऑफ x होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका हम क्या निकालते हैं वेरियंस निकालते हैं। नाउ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसका हम mgf निकालते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका जो mgf होता है उसको हम किस तरह से निकालते हैं। सो mgf का जो फार्मूला होता है उसको लिखते हैं यहाँ पे mxt एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt, और हम जानते हैं यहाँ पे जो इसका जो pdf होता है वो कितना होता है 1 अपॉन बी माइनस ए टू बी एंड जीरो अदरवाइज। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर एक्स टी एफ एक्स डी एक्स होगा, देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह हम यहाँ लिखेंगे माइनस और सॉरी a टू b है ना। नाउ e की पावर एक्स टी इसकी लिए आएगी 1 अपॉन b माइनस a इंटू डी एक्स, देन 1 अपॉन b माइनस a बाहर निकालेंगे तो ये आएगा a टू b e की पावर एक्स टी इंटू डी एक्स। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा e की पावर एक्स टी अपॉन टी ए टू बी, एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे देखिए एम एक्स टी ये आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए, ये आएगा ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन टी, देन ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन टी बी माइनस ए। इस तरह से हम यहाँ पे इसका क्या निकालते हैं MGF निकालते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मीन और वेरिएंस भी निकाल सकते हैं MGF की हेल्प से। मैंने आपको बताया था कि इसका जो मीन होता है उसके पास क्या करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे है ना MXT एंड देन T की जगह क्या रख देंगे जीरो, तो यहाँ से इसका मीन आ जाएगा। इसी टाइप से हम इसका x स्क्वायर निकालेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे है ना, फिर MXT T की जगह हम क्या रख देंगे जीरो रख देंगे, देन फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका वेरियंस। तो स्टूडेंट वेरियंस ऑफ x का फार्मूला कितना होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो मैं आपके सामने लूँगा फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इफ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन 1 एंड वेरियंस 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि इसका जो मीन होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वो ए प्लस बी बाई टू होता है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और इसका जो वेरिएंस होता है वो होता है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 4/3। तो स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ से हमारे पास आएगा ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, और उसको उधर ले जाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार आप क्या लेंगे इसको a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 4 लेंगे, एक बार लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 4, और हम जानते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 3, और 3 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी माइनस 1, और जब हम यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 रखेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी माइनस 1 और b की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो स्टूडेंट हम जानते हैं हमारा जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए से b एंड 0 अदरवाइज। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास जो a होता है वो लोअर लिमिट देता है, तो a लोअर कहाँ पे आ रहा है ये वाला आ रहा है, तो इसको हम लेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये क्या आएगा 1 अपॉन b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस माइनस 1, और ये आएगा माइनस 1 से हमारे पास कितना आ रहा है 3 एंड 0 अदरवाइज। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 4, ये आएगा 0 अदरवाइज है ना, ये हमारा एफ एक्स आ गया। और स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू निकालनी p x इज लेस देन 0, तो इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 से नीचे कहाँ तक जा रहा है माइनस 1 तक जा रहा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1 से 0, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रही है 1/4, देन 1/4 को बाहर निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन x होगा माइनस 1 से 0, तो स्टूडेंट ये आएगा 1/4 0 माइनस माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, और मुझे लगता है ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने आपके सामने लिया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, मीन और वेरिएंस किस तरह से हम निकालते हैं, एमजीएफ कैसे निकालते हैं, इस पर बेस्ड मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, तो मुझे लगता है इस पूरे कंसेप्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट मेरे जो पुराने सभी वीडियोज़ हैं वो यहाँ लास्ट आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर जाकर सभी मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, और आगे जो भी आने वाले मेरे वीडियोज़ हैं नॉर्मली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर फोकस करूँगा
करूंगा आने वाले टाइम पे, पर पहले मैं सभी टॉपिक की थ्योरी अपलोड कर रहा हूं, देन उससे रिलेटेड मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, प्लस मैं प्योर मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे भी लाइक एलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, ये सभी वीडियोज भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। और स्टूडेंट आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सो आप लोग कमेंट करते रहिए, और अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि सर ये टॉपिक करना है या वो टॉपिक करना, तो वो भी प्लीज़ आप सजेस्ट करें। पर आप बहुत सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स सेंड करते रहते हैं या मुझसे फ़ोन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो स्टूडेंट प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करें, सो ये थोड़ा सा आप प्लीज़ ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।